हाय एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं पनीर बिरयानी बनाने की रेसिपी बहुत ही इजी मेथड से। और इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें कटी हुई पनीर ऐड कर देंगे। पनीर की अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। एक साथ जितना पनीर हमें ऐड करना है उतना हम फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे। हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक बार इसको ऐसे चला लें और मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें और एक प्रेशर कुकर लेंगे। हमने बड़े साइज का प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। हम इसे सिर्फ देसी घी में भी बना सकते हैं। बटर या देसी घी के साथ ऑयल ऐड करने से देसी घी और बटर जलता नहीं है। अब इसमें हम जीरा और इसमें खड़ी इलायची ऐड करेंगे। हम इसमें एक बड़ी वाली जो काली इलायची होती है उसको ऐड कर देंगे और इसमें जावित्री और छोटी इलायची और लौंग ऐड कर देंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी सूखे मसाले जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हो और तेजपत्ता ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे लगभग हाफ मिनट तक भुनेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हाफ मिनट में मसाले जो हमने सूखे ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से भुन जाते हैं। ये देखिए अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। फ्राई होने के बाद अब इसमें हम कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। हमने 2 बड़े साइज के प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप्स में कट कर सकती हो और इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो फ्लेम को हाई भी कर सकती हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहें। थोड़ी देर में प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये देखिए अब प्याज अच्छी तरह से भुनना स्टार्ट हो गया है। जब हमें लगे कि प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है तब इसमें दरदरा पीसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप बारीक पीसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकती हो इसके प्लेस पे। मिक्स करके हाफ मिनट तक भुनेंगे ताकि ये प्याज के साथ ये भी अच्छी तरह से भुन जाए। भुनने के बाद अब इसमें मटर ऐड करेंगे। हमने फ्रोजन मटर ली है, आप चाहें तो ताजी मटर भी ले सकती हैं। मटर ऐड करके एक बार मिक्स कर लें। बस आप ताजी मटर जब ऐड करें तो उसको बॉयल करके ऐड करें। ऐड करने के बाद हल्का सा भुनें और इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। दोनों को हमने लगभग 1/2 टीस्पून लिया है। इसी के साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। सॉल्ट ऐड करने के बाद एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। आप बिरयानी मसाला भी ले सकती हैं। हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। गरम मसाला ऐड करके एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके टोटल हम हाफ मिनट तक भुनेंगे। भुनने के बाद अब इसमें धनिया की पत्तियां बारीक कट करके ऐड कर दें। धनिया की पत्तियां ऐड कर लें। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा भुनेंगे, लगभग 10 सेकेंड। बहुत ज़्यादा देर तक मसाले नहीं भुनेंगे, ज़्यादा भुनने पर ये जलने लगेगा। चावल को लगभग आधे घंटे के लिए भिगो के अब हम इसको स्ट्रेन करके इसमें ऐड कर देंगे। हमने नॉर्मल चावल लिया है, आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकती हैं अगर आपको पसंद है तो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके लो फ्लेम पे लगभग 1 मिनट तक भुनेंगे ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो चावल में अच्छी तरह से मिक्स होके हल्का सा भुन जाए। थोड़ी देर के बाद ये अच्छी तरह से भुन जाता है। ये देखिए चावल का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हो, काजू और किशमिश। अब इसमें फ्राई किए हुए पनीर ऐड करके एक बार मिक्स कर लें। पनीर हम हल्का सा ब्राउन फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर बॉयल होने पे गलेगा नहीं। अब इसमें लगभग 2 से 3 कप वाटर ऐड कर देंगे। हमने इसमें लगभग 1 कप चावल लिया है और 3 कप वाटर लिया है। वाटर हम उतना ही ऐड करेंगे जितने में चावल हल्का सा ऐसे डूब जाए और हल्का सा ऊपर हो, बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो। ये देखिए ऐसा होने पर 1/2 कप वाटर और ऐड कर रहे हैं। ये देखिए चावल के इतने ऊपर हमने वाटर लिया है। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हाई फ्लेम पे 1 व्हिस्टल आने तक कुक करेंगे। हम इसे सिर्फ 1 व्हिस्टल आने तक ही कुक करेंगे, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये गीला बन जाएगा। जब व्हिस्टल्स ख़त्म हो जाए उसके बाद ढक्कन को ऐसे खोल के रख दें 10 मिनट के लिए। उसके बाद मिक्स करके अब हम इसे सर्व करेंगे। मिक्स करने से सारे मसाले चावल में बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पनीर बिरयानी बनकर तैयार है। ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां गार्निश करेंगे। इससे बिरयानी देखने में और खाने में और भी टेस्टी लगती है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले जो आपके घर में हो आप ऐड कर सकती हो। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।